हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन आइडिया सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 32 साइज़ के वोर्टेक्स बेल्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग शेयर करूंगी। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 32 साइज़ की फुल कटिंग शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी इंच टेप की सहायता से। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इस अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम ओपन करके रख लेंगे। तो देखिए इसे इस तरीके से खोल के रख लेंगे हम। तो इधर फोल्डेड साइड और इधर ओपन साइड मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये इधर ओपन साइड है और इधर फोल्डेड साइड है। तो अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट देख लेते हैं। देखिए 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं बैक पार्ट की। तो देखिए हमें बैक पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 13.5 इंच तैयार रखनी है मुझे। तो मैं टोटल ले रही हूँ 14.5 इंच, ठीक है। 1 इंच मैं और ऐड करूँगी मार्जिन का। तो यहाँ पे 14.5 पे मैंने मार्क किया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का नाप। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। तो देखिए 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, ठीक है। शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल लेंगे हम 5.25 इंच। ज़्यादा नहीं लेना है हमें, 5.25 इंच आर्मोल लेना है, ठीक है। और 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग 5.25 इंच आर्मोल लेना है। और फिर हम यहाँ पे चेस्ट का 4/4 भाग लेंगे। तो देखिए कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए चौथा भाग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस इंच टेप को इस तरीके से रख लेंगे। फिर इसे हम करेंगे फोल्ड। तो इसे हम 2 बार फोल्ड करेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसे, ये हमने 1 बार फोल्ड किया, ठीक है। और फिर हम करेंगे दूसरी बार फोल्ड। तो ये मैंने 2 बार फोल्ड किया और इस तरीके से हम चौथा भाग निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा आ गया 8 इंच। तो इस तरीके से आप किसी भी चेस्ट साइज़ का चौथा भाग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे चौथा भाग 8 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, ठीक है। फिर हम 1.5 इंच और लेंगे मार्जिन का, ठीक है। 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। तो देखिए अब हम लेंगे कमर का नाप 27 इंच। तो 27 का चौथा भाग निकालेंगे जैसे हमने पहले चेस्ट का निकाला था ना, ठीक उसी तरीके से हम पे हम लेंगे कमर का नाप 7.5 इंच, ठीक है। और फिर हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम 1 इंच और लेंगे क्योंकि बैक पार्ट्स में हमारी 1/2 इंच की 2 प्लेट्स आती हैं, इसीलिए हम 1 इंच और लेंगे। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट का नाप लेंगे, ठीक है, की तरफ गोलाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ आर्मोल की तरफ गोलाई कैसे देते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ से 1/2 इंच लेना है बाहर की तरफ और फिर इसे इससे मिला देना है और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। तो देखिए ये टोटल जो गोलाई है वो हमारी 1.25 इंच की आ गई। आप चाहे तो इस तरीके से भी दे सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से 1.25 इंच पे गोलाई दे सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे नेक की विड्थ लेंगे। तो यहाँ जो गले की चौड़ाई है वो हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच, ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 इंच ही रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो मैंने रखी है 2 इंच और यहाँ पे लेंथ लेंगे हम 9 इंच लेंथ ले रही हूँ मैं। लेंथ चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें जो नेक की विड्थ है वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, यहाँ से सिर्फ 2.5 इंच लेंगे विड्थ में, ठीक है, 2.5 इंच विड्थ में लेंगे और इसे
इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम गोलाई देंगे हाफ इंच की, इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बैक पार्ट का जो नाप है वो ले लिया है, मेज़रमेंट मैंने बता दिया है 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, ये देखिए एकदम परफेक्ट 32 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बैक पार्ट की कटिंग बताई है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बेल्ट ब्लाउज़ की, ठीक है। तो चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे से मुझे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे, तो बेल्ट ब्लाउज़ के लिए सबसे पहले हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हाई हुक की पट्टी के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ले लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, ठीक है। और नीचे से ले लिया है मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है नीचे से, और 1/2 इंच हम हाई हुक की पट्टी के लिए लेते हैं। अगर हम फ्रंट पार्ट में हाई हुक की पट्टी रखना चाहते हैं तभी हमें हाई हुक की पट्टी रखनी है, वरना नहीं रखनी होती। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि हम इसको बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसे छोड़ते हुए हमें इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है एज इट इज़, और इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, बट आपको नेक की मार्किंग नहीं करनी है, और यहाँ से इसकी एज इट इज़ मार्किंग करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से नेक की मार्किंग नहीं की है और इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर ली है मैंने बैक पार्ट की। तो अब हमें क्या करना होता है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं 4 टक्स वाला। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो अब इसको मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमें बेल्ट ब्लाउज़ बनाते हैं तब लेना होता है, क्योंकि हम 4 टक्स ब्लाउज़ में लेना होता है, क्योंकि जब टक्स डालते हैं तो हमारे कपड़ा छोटा नहीं पड़ता। कि यहाँ से मैंने 1/2 इंच और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर आर्मोल की तरफ गुलाई देंगे हम। तो देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें शोल्डर नापने हैं, तो शोल्डर लिए थे 5 इंच, ठीक है। और फिर हम यहाँ से आर्मोल लेने हैं 1.25 इंच। आर्मोल अब हम यहाँ पे गुलाई देंगे, हुके से देंगे। देखिए गुलाई देने के 2 तरीके हैं, एक तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ लेके इस तरीके से, और इस लाइन को अंदर वाली लाइन से मिलाना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की तरफ गोलाई देते हैं। इससे क्या होता है कि एकदम परफेक्ट जो गोलाई है वो आती है हमारी। तो ये देखिए, ये हमारा जो बाहर वाली गोलाई थी दी थी बैक पार्ट में वो है, और ये है फ्रंट पार्ट की गोलाई। तो अब इस देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर वाली गोलाई है बैक पार्ट की, और ये फ्रंट वाली गोलाई है, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने गोलाई भी कट कर ली है। तो अब हम यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक के जो विड्थ है वो लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से मैं नेक के विड्थ रख रही हूँ 1/2 इंच, छोड़ते भी हमें लेना है क्योंकि हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया था, ठीक है। तो इसे छोड़ते भी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से मैं 2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने 2 इंच ली थी। तो 2 इंच नेक की विड्थ रख रही हूँ, और नेक की लेंथ है वो यहाँ पे मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसकी विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच। नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच लेंगे, और अब इसका ये बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे नेक की, देखिए इस तरीके से।
तो एकदम परफेक्ट गोलाई आई है। तो देखिए एकदम परफेक्ट गोलाई आई है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाफ इंच छोड़ते हुए हमें ये मार्किंग करनी है नेक की। यहाँ पे मैंने नेक के लिए मार्किंग कर ली है, अब हम यहाँ पे बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे आगे की तरफ ले रही हूँ 4 इंच, ठीक है, और बीच में से हम लेंगे 3.5 इंच और पीछे की तरफ भी 3.5 इंच लेंगे, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग कर ली है। हम यहाँ पे बेल्ट की और नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे। तो टक्स कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ 32 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सेंटर यहाँ पे आगे वाली टक्स डालने के लिए सबसे पहले इंच टेप को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब हम सेंटर से इसकी जो लेंथ है वो लेंगे। तो देखिए इस वाले टक्स की जो लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 इंच लेना है हमें इस वाले टक्स की लेंथ। और नीचे वाले टक्स की विड्थ लेनी है हमें 4 इंच। और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो रखेंगे हम 2 इंच, इस तरीके से इसकी लेंथ 2 इंच रखेंगे, ठीक है। और देखिए 1/2 इंच और 1/2 इंच हम दोनों तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से 1/2 इंच यहाँ पे 1/2 इंच पे मैंने मार्क किया इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में 1.5 इंच का गैप आ रहा है तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है। तो और पीछे की तरफ हम लेंथ में लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। और अब इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हम आर्मोल की तरफ मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा एक गोल राउंड सर्कल बनना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने टक्स डाल दिए और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1.5 इंच का आ रहा है, देख सकते हो आप। और ये टक्स डालना बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है, टक्स भी डाल दिए, बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे आर्मोल का नाप लेंगे। तो देखिए कैसे लेते हैं, यहाँ से इंच टेप की सहायता से सबसे पहले आर्मोल का हम नाप लेंगे कि कितना आर्मोल आ रहा है हमारा। तो देखिए टोटल 9 इंच आ रहा है, फिर से आपको दिखा देती हूँ, ये 9 इंच आ रहा है आर्मोल। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इतना कपड़ा बच गया था तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों कपड़ों को, मैंने डबल कपड़ा लिया है, इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख रही हूँ। और अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। देखिए स्लीव्स की लेंथ कितनी लेनी है मुझे, तो यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है तैयार वो मैं रख रही हूँ 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे आर्मोल का नाप। तो देखिए यहाँ पे आर्मोल का नाप लेंगे, तो जो आर्मोल है वो भी हमारा 9 इंच ही आया था। एक बॉक्स बना लेंगे, काम यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बड़ी की अब हम इस बड़ी स्लीव्स को डाउन करेंगे 3 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ 3 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप देंगे हल्का हल्का इस तरीके से, राउंड शेप देंगे। तो देखिए स्लीव्स का शेप दे दिया है, अब हम यहाँ पे नीचे लेंगे मोरी का नाप। तो मोरी का नाप है वो है 5.5 इंच, ठीक है, और 1.5 इंच हम और लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई वाली मार्जिन के लिए। तो टोटल हो गया हमारा 7 इंच। और अब हम इसको इससे मिला देंगे,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि आर्महोल की तरफ गोलाई देंगे। तो सबसे पहले इसे ओपन करके रख लेते हैं और यहाँ से सेंटर से हम ऊपर की तरफ से लेंगे 1 इंच, ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे और पीछे की तरफ हम लेंगे 2.5 इंच, पीछे की तरफ 2.5 इंच लेंगे और बीच में से हम लेंगे 1/2 इंच और अब इन तीनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो अब इन तीनों को मिला दिया, देखिए ये 1/2 इंच की गोलाई आ गई है और अब इस गोलाई को कट कर लेंगे, इस गोलाई को कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से। तो ये हमने गोलाई कट कर ली है देखिए, और एकदम परफेक्ट शेप आया है हमारा आर्महोल की तरफ। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।